योर चैनल ब्रिलियंट माइंड्स बाय नीरो स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिकल बिल्कुल अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं, शेड्यूल हो चुके हैं टर्म टू के। तो आई थिंक आपको डेट्स मिल गई होंगी, लेकिन स्टिल आपकी तैयारी अभी पेंडिंग है, चल रही है। तो प्लीज ये सैम्पल क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको दिए हैं MySQL से रिलेटेड, ठीक है। इसी टाइप के आपका पेपर आने वाला है। इसमें फोर तरह के मैंने टेबल्स लिए हैं जिसके अंदर आप सीखेंगे किस तरह से क्वेरीज को आपको सॉल्व करना है और कंप्यूटर पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना है। तो लेट अस स्टार्ट विद इट स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल कमांड्स ऑन द बेसिस ऑफ टेबल ऑर्डर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। इफ इट इज नॉट मेंशनड देन यू कैन यूज एनी डेटाबेस। उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, यूज यूज कमांड करनी होती है, आपको लिखनी होती है आपको डेटाबेस ओपन करने के लिए। इफ यू डोंट यूज यूज कमांड, आपने उसको ओपन नहीं किया है तो आप उसके अंदर टेबल नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ओके। एंड इन द बिगिनिंग इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द डेटाबेसेस, अगर आप क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं डेटाबेसेस, तो शो डेटाबेसेस आप सबसे पहले लिखिए। जब पासवर्ड दे देंगे MySQL का, तो शो डेटाबेसेस यू विल सी अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस, ओके। उसमें से जो आपको पसंद है वो डेटाबेस को आप यूज करके यूज डेटाबेस नेम दे दीजिए, देन यू स्टार्ट डूइंग द वर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बोला ऑन द बेसिस ऑफ टेबल ऑर्डर्स। अब इसमें आपको यहाँ पर बोला नहीं है, अगर बोला होगा तो आपको ऑर्डर्स टेबल को सेम ऐसे आपको क्रिएट भी करना होगा और उसमें आपको रिकॉर्ड्स इंसर्ट भी करने होंगे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपका टेबल क्रिएटेड है उसके अंदर, तो इसके अंदर आपकी कुछ क्वेरीज हैं आपके सामने। फर्स्ट टू डिस्प्ले पी नेम क्वांटिटी एंड रेट। सी यहाँ पर आपके सामने कॉलम्स के नेम्स हैं, एट्रीब्यूट्स के नेम्स हैं, पी नेम क्वांटिटी एंड रेट फॉर ऑल द ऑर्डर्स दैट आर आइदर बुक और इरेजर। इसमें आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जहां भी आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वहां पर आपको सिलेक्ट यूज करना पड़ता है सिलेक्ट क्लॉज, सिलेक्ट पी नेम क्वांटिटी कॉमा रेट फ्रॉम ऑर्डर्स, फ्रॉम के बाद टेबल नेम, वेयर पी नेम इज इक्वल टू बुक और पी नेम इज इक्वल टू इरेजर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखिए, प्लीज टेक केयर कि यहाँ पर बच्चे क्या लिखते हैं, वेयर पी नेम इज इक्वल टू बुक और इरेजर। ऐसा नहीं होगा, आपको जहां भी और या एंड यूज करते हैं आप, वहां पर आपको जो एट्रीब्यूट का नेम आपको दो बार या तीन बार जितनी बार आपको यूज करना है आपको बार बार देना पड़ेगा। यहाँ पर पी नेम इज इक्वल टू बुक और पी नेम इज इक्वल टू इरेजर देन सेमी कॉलन टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। सेकेंड टू डिस्प्ले ऑर्डर्स वेयर हुज रेट इज इन रेंज 10 to 50। अब यहाँ पर रेंज दी जाती है, वहां पर मैंने बिटवीन क्लॉज यूज करके आपको दिखाया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर रेट बिटवीन 10 and 50। यहाँ पर 10 and 50 जो आपके हैं ये दोनों ही उसमें इंक्लूडेड है वैल्यूज, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इंक्लूडेड है। एंड स्टूडेंट्स आपके डिपेंड करता है आपके टीचर आपको 6, 7 या 9 जितनी 7 queries आपको देंगी वहां पर एग्जाम में करने के लिए प्रैक्टिकल के लिए, ओके। आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना है। तो आपको प्रिंट आउट जो आपके होंगे वो आपको प्रिंट आउट्स को जो आपकी बोर्ड की बुकलेट्स आपको मिलेंगी उसके अंदर आपको प्रॉपरली आपको स्टेपल करने होंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर, ओके। सेट ए बी सी मैम ने आपके बनाए होंगे, आपकी जो एक्सटर्नल आएंगी वो लेकर आएंगे आपके पेपर्स, वो मैम आपको देंगी। तो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ में आंसर शीट में आपको ये वाले प्रिंट आउट्स भी लगाने होंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेरी, टू असाइन द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट टू 20 वेयर देयर इज नो वैल्यू। नो वैल्यू मीन्स नल, ठीक है। अपडेट ऑर्डर्स, इसमें आपको क्या करना है, आपको असाइन करना है वैल्यू ऑफ डिस्काउंट टू 20, आपको चेंज करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है आपको डेटा के अंदर, तो वहां पर आपको अपडेट यूज करेंगे। अपडेट के बाद टेबल नेम, अपडेट ऑर्डर्स सेट डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 into discount + discount वेयर डिस्काउंट इज नल। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ध्यान रखिए, एक और मिस्टेक जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं वो है आप लिख देते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू नल, इज इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं, दैट इज रॉन्ग, एरर शो करेगा, इज नल आपको लिखना होता है। आपको मैं स्टूडेंट साइड बाय साइड आपको बताती जा रही हूँ, जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो आपको नहीं करनी है, ओके। फोर्थ नंबर, टू डिलीट कॉलम सेल डेट फ्रॉम अबव टेबल। इसमें आपको दिख रहा है आपको इस कॉलम को आपको कंप्लीटली डिलीट करना है, तो इसके अंदर आपको क्या यूज करते हैं, आप ऑल्टर कमांड यूज करते हैं, ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स ड्रॉप कॉलम सेल डेट। बच्चे क्या करते हैं सीधा इसके अंदर लिख देते हैं ड्रॉप सेल डेट, यहाँ पे कॉलम आपका ये नेम भी आपका कीवर्ड भी आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑल्टर के साथ आप यहाँ पर ड्रॉप भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है कहीं कि आपको मॉडिफाई भी यूज करना पड़ता है और कहीं एड भी यूज करना पड़ता है। मेरी जितने भी वीडियोस हैं MySQL से रिलेटेड प्लीज डू वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल्टर को हम ड्रॉप के साथ या मॉडिफाई के साथ या एड के साथ भी हम यूज करते हैं, यहाँ पर डिलीट करना है तो हमने ड्रॉप यूज किया है। फिफ्थ, टू डिस्प्ले पी नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेन इरेजर पेंसिल फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल।
यहाँ पर देखिए तीन आपको चीजें आपको बोली है, पेन, इरेजर एंड पेंसिल। यहाँ पर देखिए पीने में पेन, पेंसिल, बुक, इरेजर, कॉपी, ये सब है आपके सामने। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट जहाँ लिस्ट होती है, दो तीन से ज्यादा या दो तीन आपके सामने कुछ भी वैल्यूज है आपको आपको उससे मैच करना है, तो आप क्या करते हैं इन ऑपरेटर यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर पी नेम इन, इन के बाद इन द राउंडेड ब्रैकेट प्रेजेंट थीसिस में आप उन दो तीन चार जितनी भी लिस्ट है वो कंप्लीट आप दे दीजिए कॉमा लगाकर। ओके, नंबर सिक्स, टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल ऑर्डर्स, ये मैंने और दूसरी वीडियो में भी बताया आपको, स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको डीईएससी लिख सकते हैं या आप डिस्क्राइब कंप्लीट वर्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद टेबल का नेम, डिस्क्राइब ऑर्डर्स, बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं डिस्क्राइब टेबल ऑर्डर्स, टेबल कीवर्ड यहाँ यूज नहीं होगा, कहीं कहीं पर यूज होता है कहीं नहीं यूज होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। नंबर सेवन, राइट अ क्वेरी टू अपडेट द रेट विद 10% ऑफ एग्जिस्टिंग रेट ऑफ ऑर्डर्स टेबल, इसमें क्या करना है आपको अपडेट कमांड यूज करने है विद सेट, अपडेट के बाद टेबल नेम ऑर्डर्स, वहां पर आपको क्या करना है सेट रेट इज इक्वल टू 10% ऑफ एग्जिस्टिंग रेट है तो 10% ऑफ रेट प्लस रेट, ठीक है, इस तरह से आपकी क्वेरी रन होगी आपकी। नाउ सेकंड देखिए आपके सामने, अगर ये टेबल आपको गिवन होता है स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा सबसे आपको पहले यूज करना है यूज डेटाबेस, मींस आपको डेटाबेस को करंटली ओपन करना है, उसमें आप टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, देन देखिए फर्स्ट क्वेरी इज डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल स्टूडेंट, सिंपलेस्ट आपके सामने क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारे रिकॉर्ड्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑल द रिकॉर्ड्स हैव टू बी शोन, स्टार आप लगाएंगे उसके लिए। सेकेंड, डिस्प्ले रोल नंबर कॉमा नेम एंड क्लास ऑफ टेबल स्टूडेंट, इसमें आपको सिर्फ तीन चीज डिस्प्ले करानी है जबकि यहाँ पर फाइव एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन आपको कितने शो करने हैं ओनली थ्री, सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। नंबर थ्री, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ, अब इसमें एक कंडीशन है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे वेयर क्लास, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 10, आपका अगर न्यूमेरिक होता इंटीजर होता तो विदाउट कोट्स देते आप, अब क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रिंग है आपका कैरेक्टर्स में है तो आप उसको आप सिंगल कोट में देंगे। ओके, नंबर फोर, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ सुमित, सुमित यहाँ पर देखिए रोल नंबर टू, सुमित 11,2800 उसकी फी है एंड 45 इज हिज परसेंटेज, तो आपको कंप्लीट आपको डिटेल दिखानी है किसकी सुमित की, तो एक स्पेशल कंडीशन हो गई, अगेन यू विल बी यूजिंग वेयर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू सुमित। नंबर फाइव, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स पेइंग फी लेस देन 3000, अब इसमें भी एक कंडीशन है क्राइटेरिया आपको गिवन है, फी लेस देन, स्टूडेंट्स क्या करते हैं उनके लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में कई बार वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको प्लीज क्लियर कर लीजिए, लेस देन में ये वाला सिंबल आपका, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर फीस लेस देन 3000। नंबर सिक्स, डिस्प्ले फी ऑफ अमित, अमित की आपको फी शो करनी है ओनली फी, तो सिलेक्ट के बाद आप क्या लेंगे उस कॉलम का नेम, फी इज द नेम ऑफ द कॉलम, सिलेक्ट फी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू अमित। एंड आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपकी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है आपकी MySQL, ओके, SQL languages case insensitive. नंबर सेवन, डिस्प्ले क्लास एंड परसेंटेज, मीन्स आपको सिलेक्ट के बाद क्लास एंड परसेंटेज यूज करना है ऑफ पुष्कर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू पुष्कर। नंबर एट, डिलीट रिकॉर्ड ऑफ अमित, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू अमित, देखिए अभी हमने कॉलम जब डिलीट किया था कंप्लीट कॉलम तो स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था, वहां पर हमने ऑल्टर कमांड यूज की थी, यहाँ डेटा कुछ डिलीट करना है तो वहां पर डिलीट यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू अमित, सो सारा कंप्लीट जो इतना भी आपका अमित से रिलेटेड डिलीट डेटा है आपका रोल नंबर वन अमित पूरा कंप्लीट टपल फुल रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टल जो आपका रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। नंबर नाइन, डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल स्टूडेंट, अभी आपको बताया था डिस्क्राइब या डीईएससी उसके बाद टेबल का नेम। देखिए एक और टेबल आपको गिवन है आपके जिसमें इस टेबल का नेम है वॉचेस, वॉच आईडी, वॉच नेम, प्राइस, टाइप एंड क्वांटिटी स्टोर, ठीक है, फाइव कॉलम्स आर देयर, मींस इसका डिग्री कितनी है, फाइव इज द डिग्री ऑफ द टेबल, ठीक है। अगर मैं इसके आपको पूछूं कि कार्डिनैलिटी कितनी है तो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड है, थ्री फोर फाइव रिकॉर्ड आर देयर, सो कार्डिनैलिटी विल बी फाइव। फर्स्ट, क्रिएट अ टेबल नेम वॉचेस विद द कॉलम और कॉलम स्पेसिफाइड इन द टेबल अबव कीपिंग वॉच आईडी एज अ प्राइमरी की एंड वॉच नेम एज नॉट नल। आपको दो कॉन्स्ट्रेंट्स भी बताए स्टूडेंट जो आपको एड करने हैं, क्रिएट टेबल वॉचेस, उसके बाद आपको पेरेंथीसिस के अंदर सभी आपको एट्रीब्यूट के नेम्स देने हैं और उनका डेटा टाइप बताना है, ठीक है, और कॉमा लगाना है हर एक के बाद में, और लास्ट में देखिए क्योंकि यहाँ पर आपका पेरेंथीसिस ओपन हुआ है तो लास्ट में जाके क्लोज होगा।
वॉच आईडी इंट टू, आपको उसका साइज भी दिया, इंटीजर आपका ही, और प्राइमरी की उन्होंने बताया आपको प्राइमरी की लिखना है. वॉच नेम कैट 10, नॉट नन, उन्होंने बोला नॉट नन, इट शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, एक आपने कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया. प्राइस इंट 5, टाइप कैट 10, क्वांटिटी स्टोर इंट 5, ये सारे अपने कॉलम्स के नेम देनी है. इस तरह से टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा. नंबर टू, इंसर्ट एनी 3 रिकॉर्ड्स इन अ टेबल एज गिवन अबव. आपके सामने यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स हैं, इनमें से आप कोई भी 2 रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पर इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं. कमांड कैसे देंगे आप, इंसर्ट इनटू के बाद टेबल नेम वॉचेस, वैल्यूज के बाद, वैल्यू मत लिखना स्टूडेंट्स, वैल्यूज वर्ड आता है हमेशा ही, उसके बाद इस तरह से आपको उसकी कंप्लीट यहाँ पर वैल्यूज देनी है. यहाँ पर ये भी W005, ये भी आपका सिंगल कोड में आएगा, गोल्डन टाइम सिंगल कोड में, ये न्यूमेरिक इंटीजर है तो ये विदाउट कोट्स में. ओके, नंबर 3, टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ दोज वॉचेस हुज नेम एंड्स विद टाइम. यहाँ पर पैटर्न मैचिंग हो रहा है तो आप लाइक कीवर्ड यूज करेंगे. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वॉचेस वेयर वॉच नेम, वेयर के बाद हमेशा यहाँ पर आप कॉलम का नेम देंगे, एट्रीब्यूट नेम लाइक, लाइक के बाद सिंगल कोड में आपको बताना है किस तरह से उसे मैच करना है. एंड्स विद टाइम यानी टाइम लास्ट में आना चाहिए, उससे पहले कुछ भी आ सकता है, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स और नो करेक्टर्स. तो उसके लिए क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वाइल्ड कार्ड होता है ये परसेंटेज का सिंबल. मैंने एक और वीडियो के अंदर अभी वाइल्ड कार्ड भी बताया था और साथ में अंडरस्कोर भी, दोनों मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किए हैं. ठीक है, नंबर 4, डिस्प्ले वॉच नेम एंड प्राइस ऑफ दोज वॉचेस विच हैव प्राइस रेंज इन बिटवीन 5,000 to 15,000. इसमें क्राइटेरिया आपको गिवन है, कंडीशन दी है, वेयर प्राइस बिटवीन 5,000 and 15,000, और आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, वॉच का नेम, वॉच नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम वॉचेस. ओके, क्लियर. नंबर 5, टू डिस्प्ले टोटल क्वांटिटी इन स्टोर ऑफ यूनिसेक्स टाइप वॉचेस. इसमें आपको क्या करना है, आपको टोटल क्वांटिटी मींस आपको यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, कौन सा, सम फंक्शन. सिलेक्ट सम इन द पेरेंथेसिस गिव द नेम ऑफ द कॉलम जिसको ये आपको सम कराना है, टोटल कराना है. फ्रॉम के बाद टेबल नेम, वेयर टाइप लाइक यूनिसेक्स. ओके, नंबर 6, टू डिस्प्ले वॉच नेम नॉट एंडिंग विद ई. लास्ट में आपका ई नहीं आना चाहिए. सिलेक्ट वॉच नेम फ्रॉम वॉचेस वेयर नेम नॉट लाइक परसेंटेज ई. नॉट लाइक जैसे लाइक होता है वैसे ही नॉट लाइक भी आपके सामने आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे नल होता है नॉट नल, लाइक नॉट लाइक. नंबर 7, डिलीट और रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल. आपको कंप्लीटली रिमूव करना है रिकॉर्ड्स को, तो डिलीट फ्रॉम वॉचेस, इससे सारे रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे, ना कि स्ट्रक्चर रिमूव होगा. ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, राइट एसक्यूएल क्वेरीज विच आर बेस्ड ऑन द टेबल सप्लायर. इसमें एस कोड, पी नेम, सप्लायर नेम, क्वांटिटी, सिटी एंड प्राइस आपके एट्रीब्यूट्स हैं. फर्स्ट, क्रिएट टेबल नेम सप्लायर विद द कॉलम, जितने भी है उनको दिखाना, और एस कोड एज अ प्राइमरी की. सेम अभी आपने क्रिएट का किया था, आपका रिविजन हो रहा है. देखिए, क्रिएट टेबल सप्लायर एस कोड इन 4 प्राइमरी की आपने मेंशन कर दिया, कॉन्स्टेंट लगा दिया. पी नेम कैर 20, सप्लायर नेम कैर 15, क्वांटिटी इंट 5, सिटी कैर 10, प्राइस डबल 6.2. डबल 6.2 क्योंकि 6 आपका डेसिमल से पहले आएंगे और डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वो आप चाहते हैं, अगर उसकी प्राइस हो तो आप इस तरह से इस फॉर्मेट में देंगे आप. सेकेंड, इंसर्ट एनी 3 रिकॉर्ड इन टेबल. इसमें आप कैसे करेंगे, इंसर्ट इंटू सप्लायर वैल्यूज, जितने भी आपके अगर इंटीजर है उनको विदाउट कोट्स दीजिए, और अगर आपने एक भी कम दिया, सपोज वहां पर 6 वहां पर आपके सामने कॉलम्स हैं, 6 एट्रीब्यूट्स हैं, तो 6 वैल्यूज आपको देनी जरूरी है, अदरवाइज आपको शो करेगा एरर. लास्ट पॉइंट देखिए, आपका लास्ट जो है आपकी वैल्यू क्या है, 10.00, बिकॉज आपने उसे डबल में लिया था 6.2. 3, डिस्प्ले नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स हुज पी नेम स्टार्ट्स विद बी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस. सिलेक्ट पी नेम फ्रॉम सप्लायर वे पी नेम लाइक B% ऑर्डर बाय प्राइस. ऑर्डर बाय के बाद हमेशा आपको स्टूडेंट्स कॉलम का नेम देना होता है, एंड यहाँ पर आपने क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में शो करेगा, छोटे से बड़ा. अगर आप लिख देते ASC लास्ट में तो भी चल जाता, नहीं लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में लेगा. अगर डिसेंडिंग होता है तो आप DESC लिखते हैं, ठीक है. एंड स्टार्ट्स विद बी है तो बी स्टार्टिंग में आ गया, और बाद में परसेंटेज का सिंबल यानी बाद में एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, और लाइक कीवर्ड इसके लिए हमने यूज किया. काउंट डिस्टिंक्ट सिटी इन द टेबल. डिस्टिंक्ट के लिए हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है. काउंट डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में कॉलम का नेम फ्रॉम सप्लायर. डिस्प्ले पी नेम सप्लायर नेम एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हु हैव प्राइस ग्रेटर देन 10 सिटी वाइज. जहां भी वाइज स्टूडेंट्स आ जाता है ना वर्ड, वहां पर समझ लीजिए आपको ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना है, और वहां पर आप वेयर नहीं यूज करते हैं, वहां पर हैविंग यूज करते हैं कंडीशन के लिए.
जैसे ग्रुप बाय सिटी हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 10, जहां भी आपको कंडीशन लेनी है अगर ग्रुप बाय के साथ में, तो आप वहां पर हैविंग यूज करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स एक मैंने अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें ग्रुप बाय और हैविंग ये सब कुछ अलग से मैंने बताया है, ऑर्डर बाय क्लॉज, डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सिलेक्ट के बाद आपको जो भी कॉलम्स आपको शो करने हैं, प्लस आपने बोला यहाँ पर आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो काउंट स्टार आपने ले लिया, ठीक है। नंबर 6, इंक्रीज द प्राइस बाय 10% फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या करेंगे, अपडेट यूज करेंगे विद सेट, सेट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस प्राइस इंटू 10 डिवाइड बाय 100 वेयर सप्लायर नेम इज इक्वल टू नेस्ले, सप्लाइड बाय नेस्ले, ठीक है। डिलीट ऑल सप्लायर्स फ्रॉम कोलकाता, आपको क्या करना है, डिलीट करना है फ्रॉम सप्लायर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू कोलकाता। क्लियर स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वॉच माई ऑल अदर वीडियो।